सगला हमा झरिया था रोज ही दई आधी पानी आबत है। एक तो आसो दूसरे साल आसो आमा फरत है। तयो से बड़ा केहू नहीं है आंधी पानी आवत है। मैं तुम्हारे बस मान नहीं करेगा। तयो तो सब कराए रहा है। असो सूतू नहीं मेरा ना हुआ चार डारे बा ना भाई रामदास है घरे माँ क्यों घुरावल हाँ रे जुको सिकेट्री आही ला तो देखते हाँ रुक हम देख हम देख कैसा चल है। देखा भाई रामदास हम ऐसे तोहरे लगे आए हैं कि ये बताबा पहले तू वैक्सीनेशन कराया है नहीं कराया है। हम का कहे चाहिए थे वैक्सीनेशन के मतलब समझे। देखा अबे जौन यह बीमारी कोरोना बगरी है हाँ, तो बड़ी गंभीर हाँ, है एके खातिर सरकार इंजेक्शन लगावल लाही जौन रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत करत है अब बीमारी से बचावत है। ता हम एहन सिलसिले में हम तोहरे लगे चलें बताबा कि कई जने घर में सदस्य हैं हमका यह बात बता दे कई जने माने जितने हैं वैक्सीनेशन ले चुके हैं घरे में। अब लेहे तो केव नहीं है चार जने हाँ घरे मने केहू का नहीं लगा अबे घरे में इंजेक्शन। चला ठीक है तो हमका नाम बता दे फटाफट और सबके उम्र बता दे। रामदास लिख ले रामदास हाँ, उम्र कितनी है रामदास की 32 साल। ठीक है पार्वती देवी पार्वती देवी 28 साल की है हाँ। और इनका उम्र नरे अम्मा कई साल के ही हाँ यही 50-50 के हाँ इनके आमन लिख दे। केटी साहब अपना बैठे हम अपना को कुछ पानी पिंगल ले आते ही है ना नरे कुछ पानी पिंगल का पानी दे रे कुछ उठिए दाई देव गुड़ गुड़ ले जाए के गुड़ बता फदाई दिए काहे काय आए। अरे वो जो मर्ज फैला है कोरोना ना तो वही के वैक्सीन लगवावे खातिर आए। अरे मोर दाई रे वैक्सीन ये टीका ना लगवाए। अरे वो कहा ना ना को हमार मौसी बतावत रही कि उनका जेठानी खत्म हो गई है टीका से काहे उन रामकली दीदा खत्म था भाई टीका लगवाए से खत्म भाई है जो वैक्सीन लगवाए से हां। अरे इनका पैसा मिला था कब सब वेतन भरे रहा थे मैं इनका कहा है इनकी दई ऐसे ढूंढी है केहू मिले इनका कहा है टीका का ना लगवाए मना कर दे पानी उन्हें पिया था क्या जाए कहता के वही क्या लगवाऊ फिर ना लगवाए। हले ले पानी अरे रे रे पानी पिले फेंकती बिनती रही हमारी हाँ पी थे बताई बिनती बताई का हुई गया हम ओका गंत बताए दें तो बरबरा थी कहा थी कि टीका उका ना लगवाए लगवाए से मर जात हम अपना से क्षमा चाहिए थे हम ही ना लगवाओ। ऐसन बात कर रहे है रामदास तू एक पढ़े लिखे व्यक्ति आ है कुछ तो पढ़े हो गए कि नहीं पढ़े आ है। हम पंची पूरी दोपहरी भागी लाहे और ये जो टीका की बात करते रहे ना रामदास या टीका जो या बीमारी बगरी ही ऐसे बचावल ला है कि हो के जान नहीं ले ला है या टीका या जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता होती ओखा मजबूत बनावत है। जब मनाई गाड़ी ले के चलत है ता हेलमेट काहे लगावत है जब ने कपार उपार ना फाटे कपार अपार ना फाटे एक्सीडेंट होए ता माने सिर में चोट ना लागे मरे ना मनाई है ना। तो यह जो टीका है हम कही थे कि यह टीका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए दे तो बीमारी तोहरे लगे ना आई यह चीज का समझा। हम पची पूरी दोपहरी बागी लाए भला तू यह मेर के बात करता है अज्ञानता वाली बात ठीक नहीं नहीं अपना तो ठीक कहिला है हम अपना के बात समझी ला है लेकिन का है कि जहाँ नहीं तहाँ जारी के सुना के मिला है कि फलानबा टीका लगवाई इस मर गया वैक्सीन लगवाई इस मर गया कहाँ हदो के मायके मर गया कहाँ के ससुरे मर गया बहुत सुना के मिला ला है तब मन ही होकर डरा आया है क्या है। हम अपना से बाकी हम ऐसा न हो कहला है अपना ठीक बात कहला है जब उनसे कहला ठीक कहला है ना अपना हमारे हित खातिर आए ना तो कहला है लेकिन अब इनका को समझा दिए इनका का बताई हम देखा सब घर वालेन का यह समझावा
कि जोन पहिल डोज मनई लगवाई तब पहिल डोज से यह होई कि थोड़ा मजबूत हो जावे है ना। तो कुछ अंतराल में फिर दूसरा डोज लगी और दूसरा डोज मतलब यह मान ले कि तुमका 28 दिन 42 दिन शासन या मेयर से नियुक्त कर ला है जो टाइम पीरियड है बता बतायला है। ता कुल मिलाए कि यह है कि जब यह दोनों डोज तुमका लगी जाएंगी तब तुमका बीमारी और तुम्हारे घर वाले का बीमारी न होई एक हर चांस जो है बहुत कम हो जाएगी। तो एक हर समझा देखा रामदास बिना उरायता नहीं कौनो दिक्कत न जाए रामदास और बहुत यह मान ले कि बीमारी से बहुत बचे रहे सलगा घर सुखी रही। देखा गांव गांव बीमारी बगरी ही हॉस्पिटल में पड़े हैं मरे जाला हैं ता कहाँ ना कहाँ डर भय मारे डाला है और जो इंजेक्शन लगवाए हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। आ भला बतावा तू मास्क भर नहीं लगाया है बीमारी के प्रति एक रत्ती चिंता नहीं आया तो कल गमछा में लगा ले थे। नहीं नहीं गमछा देखा या गमछा तू जब नहाते हो बैठे मुँह में पोछते हो बे कहो न कहो जो उन ओखर वायरस है नहीं उचित बात करी रहा है ना। तल्ले सबसे पहले तू मास्क लगावा एक हर बराबर हुआ आ जब नहावा करा तो एक हर धोय ले धोय सकते है ले ओहो को दे दी है अंदर या आधा तो यह बचाए है या मास्क अब हम तुमसे दूरी बनाए के बैठे हैं दूरी जब जब मनाई अकेल रहा है गाँव घरे में तब 24 घंटा मास्क ना लगाई रहे यह समझे वाली बात ही आए उसे कहा होता है ऑक्सीजन शरीर में बराबर ना जाए। अबे हम और तू बात करी लाहे जब बहुत पास से केहू से बात करा अनजान आदमी से तब मास्क तुरंत लगा ले चाहिए यह बात ध्यान रखे है। आप मास्क तुमका बचाए है ऐसे घर में मास्क बता दे कि भाई जहां जब जब कहां जा तब मास्क लगा के जा उसे सुरक्षित रहबे आ वैक्सीन देखा आई के लगवावा वैक्सीन लगवाओ बहुत जरूरी हो गए तो हम समझा दे सकते हां घर वाले इनका समझावा दे हां ठीक है ना हां हां सिखाए पढ़ाए गाड़ी दूसर डोज जब लगवा लेब 2 हफ्ता बाद 3 हफ्ता बाद जै दिन बाद होत है वो लगवाए से हम बच्चे कब विराम न हो अगर मान ले हमका जिनका कोरोना हो जाता है तो हमका जिनके असर न लिया जैसे मतलब समझ गए वैक्सीन के तैसे एहू का लगाए रहो ये बहुत जरूरी है। अब हम घरे गांव में ना लगावे तो ना गांव के सुविधा बा कल वैक्सीन लगवावे चले कह ठीक है ना हाँ। है ना ठीक और जैसे ई समझ गए ही वैक्सीन लगवावे के मतलब और अपनो बच्चे समझ जई हम बच्चे जइला है वैक्सीन लगवावे अपनो बच्चे वैक्सीन लगवावे चली 2 कदम हम चली थे 2 कदम अपना बच्चे चली और अपने ये पूरे देश का महामारी फैली है ऐसे मुक्त हो जी हम बच्चे वैक्सीन लगवाई थे हमारे चल के हित खाती रहा का है आवा छिल बाबा कहूं बताओ बे लेडीज जब देखा लाई हम सगली जत्ती लेडीज देखती लाए उनका कहना है कि मने का सज्जन का चला है हाँ। या टीका वैक्सीन हां वैक्सीन लगवावे हां ठीक है शहर का शहर गांव का गांव जहां देखा जैसा हो सब लगवावे या बहुत जरूरी है लगाओगे कैसे लगाए रही आओ ए महामारी से हम बच्चे जरूर जीता आमा छिंदा अच्छा आमा चली धन्यवाद हम अपने के जय भीम जय भारत जय बघेली।